pa Moriá. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो एकदम अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल वीडियो एडिटिंग, जिसको आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया तो कुछ इस तरह का रील्स या वीडियो बोल सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है गाइस। तो इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हो वो इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी मटेरियल रहता है जैसे कि म्यूज़िक वीडियो क्लिप जो भी यूज़ करूँगा वो यहीं पर अपलोड कर देता हूँ, आप इसमें ज्वाइन होकर ना डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, आप उसमें क्लिक करके ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन की हेल्प से एडिट करके बताने वाला हूँ। तो नीचे प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना है, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब करना क्या है आपको गाइस, अपने मॉडल का वीडियो को ले लेना है, जिसमें मतलब ओरिजिनल वीडियो को जिसको आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है। ये वाला वीडियो कुछ इस तरीके से आपको भी रिकॉर्ड कर लेना है गाइस, ठीक है ना, 6 सेकंड 7 सेकंड का। और जो लास्ट में ब्लैक बैकग्राउंड रहता है ना, इसको यहाँ से डिलीट कर देना, इसमें क्लिक करके इसको डिलीट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो ऑडियो वाला ऑप्शन है इसको ऑफ कर देना, क्योंकि जो हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसमें नॉइस रहेगा, इसलिए इसको ऑफ कर देना। अब गाइस आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर जहाँ पर हमने इस तरीके से पोज किया देख सकते हो हाथ को, तो यहाँ पर आपको आना है और नीचे से वीडियो में स्प्लिट कर देना, नीचे से कैंची वाला ऑप्शन में स्प्लिट कर देना। अब यहीं से हमारा जो गणेश जी का वीडियो है ऊपर स्काई में लगने वाला है, तो यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर थर्ड नंबर पर देख सकते हो स्टिकर वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर देना है, वीडियो फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है, और यहाँ पर जो गणेश जी का वीडियो है इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ऐड कर लेना है मतलब। अब इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है, बड़ा करने के बाद थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है, और नीचे से स्लाइड कर लेना है। स्लाइड करने के बाद लास्ट में मास्क वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसमें क्लिक कर देना है, लीनियर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है डबल टैप, और नीचे इस तरीके से खिसका लेना है, जो एरो है ना नीचे वाला इसको नीचे खींच देना, ठीक है। नीचे खींचने के बाद इस तरीके से एडजस्ट करके डन कर देना, ठीक है। डन करने के बाद देख सकते हो इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हमारा मॉडल है वो पीछे रह गया है, इसलिए हमें ऊपर लाना है। तो सबसे पहले यहाँ तक जो गणेश जी का वीडियो वहाँ तक आना है, और नीचे से आपको स्प्लिट कर देना, जो एक्स्ट्रा भाग बचेगा इसको डिलीट कर देना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा मॉडल है वो पीछे है, इसलिए ऊपर लाना है। तो आपको करना क्या है, एक बार इसको डुप्लीकेट करना, एक बार इस पर क्लिक कर देना, डुप्लीकेट कर देना, ठीक है। अब इस वाले को हमें ऊपर में लाना है, ठीक है, तो नीचे से स्लाइड कर लेना, और लास्ट में फॉरवर्ड वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देना, तो ये ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको स्लाइड करके यहाँ से गणेश जी के वीडियो को ऊपर में रख लेना है, ठीक है, और नीचे से आपको फिल वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है, इतना करना है गाइज। और जो लास्ट में ब्लैक बैकग्राउंड रहता है इसको यहाँ से फिर से डिलीट कर देना। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा मॉडल का फोटो है ऊपर आ चुका है, लेकिन गणेश जी का वीडियो नहीं दिख रहा है। अब आपको करना क्या है कि जो हमने ओवरले में ऐड किया था ना वीडियो को, डुप्लीकेट करके उस पर क्लिक कर देना है, नीचे से आपको क्रोमा वाला ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। क्रोमा वाला ऑप्शन में आ जाने के बाद इस तरीके से आपको एक सर्कल देखने को मिल जाता है, इसको आपको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर आपको स्काई को चेंज करना है वहाँ पर इसको अच्छे से सेट करना, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको रखूँगा गाइस, जहाँ पर ये देख सकते हो इस तरीके से सेट करना है, और इंटेंसिटी को आपको हल्का सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतना। फिर स्पीड को आपको हल्का सा माइनस कर लेना है, फिर डन कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वीडियो आएगा गाइस, देख सकते हो, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से कर लेना है, और जो लास्ट में ये देख सकते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको इस तरीके से छोटा कर लेना, ठीक है, इनको हल्का हल्का बढ़ा लेना, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हमारा वीडियो रेडी हो चुका है, बस इसमें म्यूज़िक ऐड कर लेना है, ठीक है। म्यूज़िक ऐड करने के लिए यहाँ पर म्यूज़िक में क्लिक कर देना है, म्यूज़िक वाले ऑप्शन में चले जाना है, और ये वाला म्यूज़िक इसको चूज़ कर लेना, ठीक है, और डन कर देना। ये वाला म्यूज़िक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद हमारा वीडियो रेडी हो चुका है, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो हमारा म्यूज़िक यहाँ पर थोड़ा सा इतने में है, तो हम इस वीडियो को भी थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं, नीचे से हम स्प्लिट करेंगे और इस भाग को यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से कम्प्लीटली बन चुका है, ठीक है। अब इस वीडियो को सिंपली सेव करना है, तो सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, और नीचे से राइट में क्लिक करके सेव कर लेना। तो आई होप गाइस वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।